साल 2024 की वीक 4 की BERC की TRP निकल कर आ चुकी है। उसके साथ ही सोनी टीवी पर रिसेंटली लॉन्च हुआ शो श्रीमद रामायण का शॉर्ट है वीक की BERC की TRP निकल कर आ चुकी है। तो इस हफ्ते ये शो BERC की टॉप 30 की लिस्ट में कौन से पोजीशन पर है और सोनी टीवी पर कौन से पोजीशन पर है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस शो में भगवान राम जी के रोल में हमें देखने को मिल रही है सूरज रेव, वो हमें इस शो में भगवान विष्णु के रोल में भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही इस शो में हमें प्राची बंसल माता सीता और माता लक्ष्मी के रोल में नजर आ रही है। उनके साथ ही अरब चौधरी इस शो में हमें दशरथ के रोल में, शिल्पा सकलानी केकेई के रोल में, तरुण खन्ना लॉर्ड शिवा के रोल में, ऐश्वर्या राज भाकुनी इस शो में हमें माता पार्वती के रोल में, निकितिन धेर इस शो में हमें रावण के रोल में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते श्रीमद रामायण का जो TRP निकल कर आई है वो है 0.9। लास्ट वीक इस शो का TRP 1.0 निकल कर आया था, इस शो का ओपनिंग TRP 0.9 निकल कर आया था। पहले इस शो का हमें 1 घंटा एपिसोड देखने को मिला था, लेकिन लास्ट वीक से इस शो का हमें 30 मिनट्स का एपिसोड देखने को मिला है। पहले ये शो हमें 9 PM से 10 PM तक देखने को मिला था, लेकिन लास्ट वीक से बिल्कुल नया शो मेहंदी वाला घर देखने को मिल रही है 9:30 के टाइम स्लॉट पर। उस शो का TRP निकल कर आई है ओपनिंग TRP 0.4। तो उस शो को काफी ज्यादा अच्छा ओपनिंग TRP मिला है, क्योंकि सोनी टीवी के सभी शोज की TRP हमें सिर्फ 0.3 ही देखने को मिलता है। इस हफ्ते इंडियन आइडल है नंबर 1 के पोजीशन पर 1.0 रेटिंग्स पॉइंट्स के साथ। उसके बाद है श्रीमद रामायण 0.9 रेटिंग्स पॉइंट्स के साथ, झलक दिखला जा है 0.7 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद है मेहंदी वाला घर 0.4 रेटिंग्स पॉइंट्स के साथ। बाकी सभी शोज की TRP 0.3 ही निकल कर रही है। तो श्रीमद रामायण की कहानी को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे, इसलिए TRP भी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आ रही है। तो क्या आप देखते हैं श्रीमद रामायण, आपको कहानी कैसी लग रही है आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।